नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, हरियाणा सरकार की तरफ से 3 नए लेटर भेजे गए हैं जिसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। और अगर आपको ये लेटर चाहिए तो अपना डिस्क्रिप्शन में और ये ऊपर भी दिया हुआ है साथियों, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पर मैं ये तीनों के तीनों लेटर डाल दूंगा, आप अच्छे से देख भी सकते हैं। और ABCD ग्रुप की डिटेल भी मांगी गई है साथियों, उसका लेटर भी दिखाऊंगा, तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लें। पहला लेटर तो ये देख लीजिए साथियों, मोस्ट अर्जेंट टाइम बॉन्ड डेट बॉन्ड, ठीक है साथियों, ये देख लीजिए मोस्ट अर्जेंट लेटर भेजा गया है साथियों, 15/7/2022 का नया लेटर है। और ये देख लीजिए ऑल डिपार्टमेंट को लेटर लिख दिया गया है रिगार्डिंग अपलोडिंग ऑन द पोर्टल ऑफ HRMS द डिटेल सेंक्शनड फील्ड अब वैकेंट पोस्ट, यानी कि आपके पास कितनी पोस्ट पे लगे हुए हैं, कितनी सेंक्शन पोस्ट हैं, कितनी खाली पोस्ट हैं, ABCD सभी ग्रुपों के साथियों। जैसे पहला लेटर आया था तो उसी के रेफरेंस में अब दोबारा से फिर इन्होंने एक और लेटर लिखा है कि बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने डाटा अभी तक नहीं भेजा है। ये कह रहे हैं कि ये देख लीजिए, इन्होंने पहले लेटर भेजा था कि 15/7 तक जल्दी से जल्दी डाटा भिजवाइए, लेकिन साथियों ये कह रहे हैं कि मोस्ट डिपार्टमेंट, बहुत से डिपार्टमेंटों ने अभी तक डाटा अपलोड नहीं किया है, तो ए पोस्ट से लेके डी ग्रुप लग की सारी डिपार्टमेंट अपने स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टेकन सीरियस व्यू मैटर, ठीक है साथियों। तो ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपना जो भी डाटा है वो जल्दी से जल्दी भिजवाने का काम करें, ऑल पोस्ट ग्रुप ए से लेके डी तक का 23/7/2022 अब इसकी डेट बढ़ा दी गई है साथियों, पर फॉर्मा भी अटैच कर रखा है, नेक्स्ट रे लगा रखा है, मोस्ट अर्जेंट लेटर है साथियों, ठीक है। दोबारा से फिर ये लेटर लिख दिया गया है क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट इसमें ढिलाई बरत रहे हैं, तो ऐसा बार बार अगर होता रहा तो बहुत से कर्मचारियों पर गाज भी गिर जाएगी, ठीक है साथियों। तो ये देख लीजिए, अब दोबारा से फिर डाटा मांग लिया है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा लेटर, ये देख लीजिए साथियों, 18 जुलाई इसकी पब्लिकेशन की रहेगी और 17/8/2022 की है ताज़ा। ये देख लीजिए साथियों, ये पोस्ट आई है, नंबर ऑफ पोस्ट 14 नंबर पोस्ट आई है, डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है साथियों। तो देख लीजिए पे स्केल भी अच्छा है, एक्स रेगुलर यानी कि एक्स सर्विस मैन के लिए रैंक कॉलोनी, ये देख लीजिएगा साथियों, अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप भी इसमें एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, और आपको ये लेटर अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा साथियों, ठीक है। ये नीचे प्रोफॉर्मा दे रखा है, प्रोफॉर्मा पर क्या आप भेज सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर सारी डिटेल उन्होंने मांग रखी है साथियों, ठीक है। तीसरा लेटर और मैं आपको दिखा देता हूँ, तीसरा लेटर भी ये देख लीजिए साथियों, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से 15 जुलाई 2022 का नया लेटर लिखा गया है। अब ये देख लीजिए डिपार्टमेंटों में नई स्कीम, नई ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम आई है साथियों, ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नई गवर्नमेंट स्कीम आ चुकी है, और ये देख लीजिए पीरियड इसका 1/7/2022 से लेके 30/9/2022 तक रहेगा, और इसकी जो टेबल है ना वो नीचे अटैच कर रखी है। और अगर आप भी इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप ये देख लीजिए साथियों, पूरा लेटर दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। इसके अंदर इंटरेस्ट वगैरह इन्होंने सारी बात लिख रखी, इसमें इतना इंटरेस्ट मिलेगा, और दूसरी जो टेबल दे रखी है उसके अंदर इतना इंटरेस्ट मिलेगा साथियों। ये देख लीजिए 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, मंथ के हिसाब से जैसे कैलकुलेट करके इन्होंने पूरी टेबल के अंदर नीचे दी हुई है डिटेल। और अगर आप भी इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको ये नीचे देख लीजिए, ये पूरी डिटेल दे रखी है भाई, ठीक है। आपको अगर ये लेटर चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। देख लीजिए पर ईयर वाइज इन्होंने पूरी डिटेल दे रखी है भाई, इनको ये स्कीम का फ़ायदा मिलेगा, इतना इतना इंटरेस्ट मिलेगा। ये देख लीजिए डेट वाइज इंटरेस्ट इन्होंने बता रखा है, अलग अलग से 2 टेबल हैं, 2 ही स्कीम है इसके अंदर, तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप तक ये तीनों लेटर की इन्फॉर्मेशन देनी थी साथियों, आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।